नोवा क्लोजिंग कर रहा है, नोवा के पास ना हेलमेट ना फेस कुछ भी नहीं है, एक सिर पे गोली लगेगा तो इधर ही नॉक हो सकता है। एंड स्काउट इज नॉक आउट बाय रौनक। नोवा रिक्स लेना नहीं चाह रहा है उठ के, लेकिन उठने में थोड़ा टाइम जाता है, उस चक्कर में रौनक नॉकआउट कर सकता है। रौनक के पास लेवल 3 का हेलमेट, रौनक शायद स्पॉट कर चुका है नोवा को, यस, क्योंकि उसका पैर दिख रहा था, स्काउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। रौनक पीछे से डैमेज देते हुए लिक्विड मॉडल के एंगल पर चलते, डबल बैरल एंड बैरल। नोवा उठा तो डेविल ने उधर ओआरबी स्कल को नॉक किया, आउट क्लियर आउट। सोल एंड ब्रॉलर इन बूट कैंप, भाई नोवा बहुत गंदा फंसा है, बहुत ही ज्यादा गंदा फंसा है। वो डाकू के ऊपर नेट था उधर, बीआई टीम बीआई क्लियर आउट हो चुका है, आई थिंक कोई टीम क्लियर आउट हुई है क्या, पूरा नहीं, कोई भी टीम अभी तक क्लियर आउट नहीं है। डार्क के ऊपर नेट पर है, डार्क लिटरली 4-5 HP पे बचा हुआ है। नोवा बहुत गंदा सिचुएशन पे, रौनक नीचे से फ्लैंक करते हुए नोवा के ऊपर देखते हैं, रौनक शायद स्पॉट कर लेगा। नोवा साउंड ले रहा है, नोवा इज नॉक आउट बाई रौनक एंड नोवा के बचने का चांस बहुत ही लिमिटेड है, बचने का चांस ही नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर डार्क भी फंस चुका है। ये लोग रोटेशन करने के लिए जा रहे थे एंड मॉडल ऑलरेडी एंटी फ्लैंक पे बैठा हुआ था, रोटेशन रोक दिया उधर, नहीं तो थोड़ा लूट मिल। अर्थ पीस नॉकआउट बाय स्कल सर, इधर नॉक 7 जेड एफ एक्स नॉकआउट हो चुका है टेरर से, प्ले जोन में गया मैक्स एटन। आईटी टीम जेड एफ एक्स क्लियर आउट, आईटी कैरी क्लियर आउट हो चुके हैं। जीई 0 डिग्री एंड इंसिडियस और दो स्क्वाड कौन है, कल टेरर क्लियर आउट और एक स्क्वाड, 4 स्क्वाड बचे हैं, देखते हैं कौन सा स्क्वाड चिकन डिनर लेके जाता है। गॉड पानसिंह ने नॉक कर दिया इट्स केके को, कल क्लियर आउट बाय गॉड, 3 स्क्वाड बचे, अटमिस क्लियर आउट बाय गॉड, जी नॉक बाय पानसिंह, जी के एक बंदे, इंसिडियस क्लोजिंग करते हुए। गॉड के पास से जाते हुए क्रेटोस एंड गॉड ने डैमेज दिया है, 1v2 सिचुएशन है, पान सिंह लेटा हुआ है, गॉड ने नॉक कर दिया क्रेटोस को, गॉड नॉकआउट पे बर्न्स। जीई मनु अपने टीम का लास्ट बंदा जो रिवाइव दे सकता है ट्विस्टर और केके को, पान सिंह अपने टीम का लास्ट बंदा जो खड़ा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, मतलब अपने टीम का लास्ट बंदा जो बचा हुआ है विदाउट बींग नॉक। टीम इंसिडियस का भी कार्टून से रिवाइव हो जाएगा, क्रेटोस रिवाइव हो जाएगा, कार्टून तो जिंदा है। पान सिंह जाने की कोशिश कर रहा है गॉड के पास एंड ट्विस्टर नॉकआउट हो गया ट्विस्टर जोन में, पान सिंह रिवाइव लेना नहीं चाहिए, गॉड पान सिंह के पास क्यों आ रहा है, ये गलत डिसीजन है गॉड का, उसको निकल जाना चाहिए, किसी और साइड पे जाना चाहिए बंदे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कार्टून्स इधर इंसिडियस का जीतने का चांस ज्यादा है, कार्टून्स ने किल सिक्योर कर चुका है, अब जो पान सिंह ने नॉक कर दिया है इधर कार्टून्स को, पान सिंह के ऊपर घुसरे इंसिडियस बर्न्स एंड बर्न्स को भी नॉक किया था पान सिंह, लेकिन कार्टून्स इधर बदला ले लिया। टीम 0 डिग्री क्लियर आउट, मनु बचे 1v1 सिचुएशन, मनु वर्सेस कार्टून्स 1v1 सिचुएशन, कौन लेके जाएगा चिकन डिनर, इधर टीम इंसिडियस गॉट द चिकन डिनर। जी गाइस बहुत मजा आया, टीम इंसिडियस बहुत अच्छे खेले विथ